नजर भले ही पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर हो, लेकिन सत्ता की धुरी यानी उत्तर प्रदेश कहां कभी शांत रहता है। किसी न किसी वजह से यूपी सबका ध्यान अपना ओर खींच ही लेता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की रफ्तार अभी से उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। राम मंदिर भले ही 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा हो, लेकिन यहाँ जाति की राजनीति इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। और छोड़े भी कैसे, इतने दशकों से यहाँ जो जाति के नाम पर राजनीति होती आ रही है, वहीं जाति की राजनीति के फॉर्मूले को आजमाते हुए यूपी के पूरब में और पश्चिम में दो किरदार ने मोदी बनाम अन्य की हो चुकी लड़ाई छिड़ चुकी है। और इस लड़ाई को लड़ने वाले दो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। पहले तो रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, तो वहीं दूसरी ओर है चंद्रशेखर रावण। इस लड़ाई को देखकर माना जा रहा है कि यूपी में जुगाड़ का राजा बनने के लिए राजा भैया ने और चंद्रशेखर रावण ने अपनी ताकत झोंक दी है। खैर, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जुगाड़ का राजा कौन बन करके नंबर वन पर आता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।